YouTube चैनल फिनआर्च पे IDBI बैंक, जिसमें कुछ ना कुछ अपडेट्स हम लोगों को देखने को हमेशा ही मिलता है। IDBI बैंक को लेकर बहुत सारे अपडेट्स है। IDBI बैंक का जो है अभी रिजल्ट आने वाला है Q3 का, जो कि है 23 जनवरी 2023 को। तो बहुत ही जल्दी आपको IDBI बैंक का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। IDBI बैंक के शेयर में क्या चल रहा है, बहुत सारी चीज है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। IDBI बैंक के शेयर को लेके रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो पे पूरा बने रहिए, कभी भी स्किप मत कीजिए ताकि आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। दोस्तों बताना चाहेंगे कि स्नैपसी करके जो आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर में देखने को मिल जाएगा, इसको जरूर डाउनलोड कीजिए। प्ले स्टोर से देश के हर एक कोने में हम लोग यहाँ से सर्विस प्रोवाइड करते हैं आपके साथ। तो चलिए शुरू करते हैं स्टॉक की बातें। तो दोस्तों अगर यहाँ पे देखते हैं तो IDBI बैंक का जो 52 का लो प्राइस था उसमें से स्टॉक ये अभी 80% गेन कर चुका है। स्टॉक का प्राइस अभी 54.90 पैसे चल रहा है, तो 52 का जो लो प्राइस था उसमें 80% ये स्टॉक जो है गेन कर लिया है। तो बहुत ही बढ़िया शेयर में यहाँ पे एक रिटर्न देखने को मिला है। अगर हम लोग एक दिन के अंदर देखते हैं तो एक दिन में जो है स्टॉक में 1.1% का गिरावट बनता हुआ दिखा है IDBI के शेयर में। वही बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे जो है स्टॉक में वन वीक के अंदर 1.8% का गिरावट बनता हुआ दिखा है। वन मंथ के अंदर स्टॉक में 4% का गिरावट बनता हुआ दिखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग फॉर IDBI बैंक लिमिटेड इज ऑन 23rd जन। तो 23rd जन को जो IDBI बैंक का जो Q3 का रिजल्ट है वो आपके सामने देखने को मिल जाएगा। और हो सकता है यहाँ पे जो है क्या रिजल्ट पोस्ट करेगा बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाएगा, अच्छा रिजल्ट पोस्ट कर सकता है। अभी आप अगर देखेंगे तो IDBI बैंक का जो ड्यूरेबिलिटी है 60 है आउट ऑफ 100, वैल्यूएशन 37.3 है आउट ऑफ 100 एंड मोमेंटियम जो 60.2 है आउट ऑफ 100। दोस्तों यहाँ पे एक बात करते हैं IDBI बैंक का जो मतलब इस इंडस्ट्री में अगर देखेंगे तो सेक्टर में देखेंगे तो बैंकिंग सेक्टर में जैसे कि बहुत सारे शेयर से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। IDBI बैंक, HDFC बैंक, ICICI, SBI, कोटक, एक्सिस, बहुत सारे शेयर से। तो हमें लगता है कि दोस्तों IDBI बैंक मतलब एक छोटा अमाउंट का शेयर है और यहाँ पे मतलब हमेशा ही जो है एक अच्छा खासा खरीदार भी देखने को मिल जाता है स्टॉक में। और अगर आप बैंकिंग सेक्टर में देखते हैं तो बहुत सारे शेयर से SBI बैंक एक अच्छा बैंक जो है शेयर लगता है गवर्नमेंट सेक्टर्स में से अगर आप देखते हैं। बाकी अगर देखेंगे तो बहुत सारे यहाँ पे जो आपको शेयर देखने को मिल जाएगा बैंकिंग सेक्टर में से। अभी स्टॉक का दोस्तों हम लोग बात करते हैं जो इसके पहले का रिजल्ट था, फंडामेंटली इंफॉर्मेशन है यहाँ पे देखते हैं। तो सितंबर 2022 में टोटल रेवेन्यू जो था वो उसमें जो है 19.6% का जो है जंप देखने को मिला था IDBI का। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 8.4% का था जो मतलब बढ़ गया था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 232.4% का देखने को मिला था, तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे देखने को मिला था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी EBITDA की बात करते हैं जहां पे EBITDA जो है 17.1% का जो यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला था। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं IDBI का 29.4% जो यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला था। अभी यहाँ पे दोस्तों IDBI बैंक का वॉल्यूम हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो वॉल्यूम में आप देख सकते हैं एक दिन का जो वॉल्यूम है 8.9 मिलियन का जो BSE एंड NSE मिला के यहाँ पे वॉल्यूम देखने को मिला है। डिलीवरी परसेंटेज 27.2% का है। एक वीक का देखेंगे तो 14.8 मिलियन का वॉल्यूम, डिलीवरी परसेंटेज 21.8% का। वन मंथ का वॉल्यूम देखते तो 22.9% का यहाँ पे जो है वॉल्यूम देखने को मिल रहा है और डिलीवरी परसेंटेज 23.7% का वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करते हैं दोस्तों, शेयर होल्डिंग में जो 30 सितंबर 2022 में प्रोमोटर्स के पास IDBI बैंक के जो प्रोमोटर्स है IDBI बैंक के उनके पास था 94.71% का स्टेक और 30 दिसंबर 2022 तक उतना स्टेक है 94.71% का स्टेक। पब्लिक के पास 5.05% का स्टेक था। पब्लिक के पास अभी देख सकते हैं कि 5.03% का स्टेक है, तो पब्लिक ने यहाँ पे थोड़ा स्टेक कम किया है। अदर इंस्टीट्यूशन के पास 30 सितंबर 2022 क्वार्टर में स्टेक था 0.17% का और अदर इंस्टीट्यूशन के पास अभी स्टेक है 0.2% का। FIS के पास स्टेक था 0.5% का और यहाँ पे देखेंगे तो 30 दिसंबर 2022 में 0.6% का स्टेक है। तो दोस्तों FIS आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्टेक थोड़ा बढ़ा दिया है। म्यूचुअल फंड के पास स्टेक था 0.2% का, 0.1% का स्टेक अभी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पे थोड़ा स्टेक कम कर दिया है, पब्लिक ने यहाँ पे स्टेक कम किया है। और वही बात करते हैं अदर इंस्टीट्यूशन से भी जो यहाँ पे स्टेक कम किया गया है। अभी यहाँ पे जो IDBI बैंक का IDBI बैंक को लेकर जो एक अपडेट देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं कि आप ये देखने को मिल रहा है कि सोमेटोमो मिटोशी बैंकिंग कॉर्पोरेशन ग्रुप SMBC बैंक ऑफ जापान एंड ओएक्ट्री कैपिटल मैनेजमेंट आर अमंग दोज
जो आईडीआई बैंक को यहाँ पे खरीदने के लिए बात चल रहा था, गवर्नमेंट एंड एलआईसी टुगेदर आर लुकिंग टू सेल 60.72% इन आईडीआई बैंक एंड हैड इनवाइटेड बिड्स फ्रॉम पोटेंशियल बायर्स लास्ट अक्टूबर। तो गवर्नमेंट एंड एलआईसी दोनों मिलकर चाह रहे हैं कि आईडीआई बैंक का जो 60.72% स्टेक है वो बेच दिया जाए, और लास्ट अक्टूबर को जो है इसको लेकर एक बिडिंग भी लाया था जहां पे पोटेंशियल बायर ढूंढा जाएगा। द टू टुगेदर होल्ड 94.71% इन द लेंडर। द सक्सेसफुल बिडर विल हैव टू मेक एन ओपन ऑफर फॉर द एक्विजिशन of 5.28% of पब्लिक शेयर होल्डिंग। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट और एलआईसी दोनों मिलकर चाह रहा है कि आईडीबीआई बैंक का जो है 60.72% का स्टेक बेच दिया जाए, एंड उनके पास जो है 94.72% का स्टेक है, एंड सक्सेसफुल बिडर जो है उनको जो एक ऑफर यहाँ पे देना पड़ेगा टू एक्विजिशन जो है 5.28% जो है पब्लिक शेयर होल्डिंग है उसको भी जो एक्वायर करने के लिए यहाँ पे एक ऑफर देना पड़ेगा जो भी यहाँ पे खरीदना चाहते हैं आईडीबीआई बैंक को। अभी अभी यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों आईडीआई बैंक का जो है देखेंगे तो स्टॉक में अभी जैसा बन रहा है तो इस स्टॉक में रिजल्ट तो अच्छा आ सकता है। Q3 का रिजल्ट अगर देखेंगे तो रिजल्ट हो सकता है कि आप एक अच्छा देखने को मिल जाए। और वही बात करते हैं इसका जो डिविडेंड वगैरह है, तो डिविडेंड अगर देखेंगे तो कुछ खास डिविडेंड शायद से देखने को नहीं मिल सकता है। आईडीआई बैंक अगर देखेंगे तो अभी तक जो 17 टाइम्स डिविडेंड दिया है, तो कुछ खास डिविडेंड नहीं मिलता है आपको दोस्तों। मैक्सिमम अगर देखेंगे तो 1 से 1.5 रुपए के आसपास शायद से 1.5 रुपए अभी ना मिला डिविडेंड, 1 रुपए के आसपास जो शायद से देखने को डिविडेंड मिल जाएगा, मतलब 50 रुपए से लेकर 1 रुपए के आसपास डिविडेंड देखने को मिल जाएगा। छोटा अमाउंट का शेयर है, 54 रुपए के आसपास ये अभी चल रहा है स्टॉक। तो यहाँ पे अगर हम लोग खरीदारी करते हैं तो एक छोटा सा टारगेट प्राइस आके चलना है। फिलहाल अगर स्टॉक में देखेंगे तो जैसे इसमें कुछ बायर वगैरह मिलता है तो हो सकता है कि बहुत बड़ा इस स्टॉक में जो एक जूम देखने को मिल जाए। बहुत बड़ा जूम तभी दिखेगा दोस्तों इस स्टॉक में जब तक अगर देखेंगे तो जो भी यहाँ पे बायर है एक अच्छा अगर इसमें बायर का और से ऑफर जो है ओपन ऑफर आए जहाँ पे खरीदना चाहते हैं इसको, उसके बाद ही जो इसे जबरदस्त तेजी आ सकता है। फिलहाल अगर देखेंगे तो स्टॉक में अच्छा खासा जो है एक तेजी बीच में हम लोग को देखने को मिला था और स्टॉक अभी जो यहाँ पे गिरावट बना रहा है। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं दोस्तों, हम लोग कह रहे हैं आपको जो आईडीबीआई का शेयर खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए। रिक्वेस्ट करते हैं जब भी कोई शेयर खरीदते या बेचते हैं खुद से एक बार जरूर रिसर्च कर लीजिए शेयर खरीदने से पहले या बेचने से पहले। तो दोस्तों वीडियो को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आईडीबीआई बैंक में क्या चल रहा है, आईडीबीआई बैंक के शेयर में क्या चल रहा है, एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया जाए। आशा करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन दिया अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल फिनो इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए।